दोस्तों अगर आप भी जडेजा को एक अच्छा ऑलराउंडर खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ सुपर फोर के मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने बरपाया अपना कहर, एक विकेट लेते ही दिखाया अपना असली रूप और तोड़ दिया वनडे इतिहास का 100 साल से भी ज्यादा पुराना रिकॉर्ड, जानकर रोहित कोहली और धोनी तक के उड़ गए होश। तो एक एक रिकॉर्ड देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा और अंतिम वाला रिकॉर्ड तो देखे बिना कहीं भी मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल में से कौन अच्छा ऑलराउंडर खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2023 के सुपर फोर का अंतिम मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि यह फैसला रोहित शर्मा ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को जांचने के लिए किया और इस दौरान जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो उनकी तरफ से तंजीद हसन और लिटन दास ने पारी की शुरुआत की। हालांकि यहां पर पहला बड़ा झटका मोहम्मद शमी ने लिटन दास के रूप में बांग्लादेश की टीम को दिया, जहां लिटन दास 0 रन पर ही चलते बने। लेकिन यहां पर लिटन दास के आउट हो जाने के बाद तो मानो एक के बाद एक विकेट ऐसे बांग्लादेश की टीम के गिरे कि यहां पर बांग्लादेश की टीम को कुछ सूझता हुआ नजर ही नहीं आया, क्योंकि 4 बड़े विकेट 59 रन के कुल स्कोर पर बांग्लादेश ने गवा दिए थे। अब एक अच्छी साझेदारी की जरूरत बांग्लादेशी प्लेयर्स को थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये साझेदारी आखिर कौन कर पाता है? बस कप्तान को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर शाकिब अल हसन ने 85 गेंदों में 80 रन बनाए और अपनी इस पारी में 6 चौके और 3 बड़े छक्के भी लगाए। हालांकि उनको शार्दुल ठाकुर ने अपने जाल में फंसा कर 160 रन पर चलता किया, जिसके चलते बांग्लादेश की टीम का ये 5वां बड़ा विकेट गिरा। और दोस्तों फिर जब शामीम हुसैन बल्लेबाजी के लिए उतरे तो शामीम हुसैन को 1 रन पर ही रविंद्र जडेजा ने फंसा लिया और यहाँ पर उन्होंने जैसे ही आज एक विकेट शामीम हुसैन का हासिल किया था तो वैसे ही उन्होंने कई बड़े कीर्तिमानों को अपने नाम कर लिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने आज एक विकेट लेते से ही वनडे क्रिकेट में 200 विकेट लेने के आंकड़े को छू लिया। और दोस्तों इतना ही नहीं, 200 विकेट हासिल करने वाले रविंद्र जडेजा भारत के अब 7वें खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अपना नाम अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ, अजीत अग्रकर, जहीर खान, हरभजन सिंह और कपिल देव के बाद इस सूची में शुमार किया है। हालांकि दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि रविंद्र जडेजा ने मात्र 182 मैच में ही ये कारनामा अपने नाम करके इतिहास रच दिया है और इनसे पहले आज तक बस जहीर खान ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने कम मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए हों। तो वहीं बात करें अगर अगले रिकॉर्ड के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने एक सबसे बड़ा कीर्तिमान यह अपने नाम किया है भारत की तरफ से वनडे क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले और वनडे ही क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में मात्र एक ही खिलाड़ी ऐसे थे जिनका नाम आता है और वो थे कपिल देव, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 253 विकेट हासिल किए और वनडे क्रिकेट में उनके रन भी 2000 से ऊपर हैं। और जिसके चलते यहाँ पर कपिल देव के बाद अब रविंद्र जडेजा ने इस सूची में अपना नाम शुमार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, 2000 से ज्यादा रन अब रविंद्र जडेजा के तो पहले से ही है, लेकिन अब 200 विकेट लेने के साथ ही रविंद्र जडेजा ने महान कप्तान भारत के कपिल देव की बराबरी कर ली है। और यहाँ पर उनके इस रिकॉर्ड में पहुंचने के बाद रविंद्र जडेजा को अब BCCI इनाम से जरूर नवाजने वाली है। बाकी दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा का यह रिकॉर्ड बनते हुए पूरा भारत देख खुश हो चुका है और रविंद्र जडेजा ने सचमुच में ये काफी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो कि भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छे संकेत है आगे भविष्य को लेकर। और दोस्तों रविंद्र जडेजा के इन रिकॉर्ड को जानने के बाद रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी भी काफी ज्यादा खुश नजर आए और सभी ने रविंद्र जडेजा को इस रिकॉर्ड को टूटने पर काफी ज्यादा बधाइयां भी दी है। और अब आप सभी की क्या राय है रविंद्र जडेजा के इन रिकॉर्ड के बारे में? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।